All right, guys, what we are going to start is with the 10th session of Indian history. ये रहेगा वैदिक एज सिविलाइजेशन. लेटर वैदिक एज की आज हम बात करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट एंड करते हैं इसको पूरा. सबसे पहले अभी हमने जो देखा पुराने जो हमारे पास अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड था उसमें और इसमें फर्क कहाँ कहाँ आ जाता है, बहुत जगह पे आ जाएगा. सो चीजें अब चेंज होने लग पड़ेंगी, अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाएंगी और लोग मतलब तंग आ जाएंगे हर चीज से. अभी हम देखेंगे धीरे धीरे. सबसे पहले बात करूंगा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट. आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नॉर्थ का पूरा इंडिया, इसे आर्यवर्त बोला गया, ठीक है? क्या बोला गया इसको? हाँ जी, क्या बोला गया? आर्यवर्त. कहाँ गए? ठीक है, इट वॉज ऑल नोन एज आर्यवर्त. देन सेंट्रल शिफ्ट हुए, उसे मध्य देश बोला गया. बेसिकली ये क्या था, ये सरस्वती से लेकर के गंगा तक का जो काम था पूरा, उसे सेंटर शिफ्ट बोलते हैं. वो सारा एरिया मध्य देश बोला हमने, यानी कि उस समय हमारा सदर्न मोस्ट एक्सटेंट था वो ज्यादा नीचे नहीं था, इट वॉज स्टिल अपना विंध्यास, ठीक है? कुछ रिवर्स के हमें ज्यादा नाम मिलने शुरू किए, कुछ ज्यादा नाम आने शुरू हुए नदियों के, जैसे नर्मदा, सदीनारा, चंबल यानी गंडक और चंबल एक्सेट्रा, और नदियों के नाम आने शुरू हुए जो प्रायर हमने देखा था कम थे, ठीक है? और यही नहीं, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन भी शुरू हुआ. ये जो है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ये शतपथ भ्रमणा में एक कहानी के तौर पे हमें बताया गया. शतपथ भ्रमणा जो कि हमने किया था, किसका था? यजुर्वेद का भ्रमणा था, राइट? शतपथ भ्रमणा श्वेत यजुर्वेद से रिलेटेड था. इससे मेरे को पता लग रहा है कि आपने पिछला नहीं पढ़ा है, जिसकी सजा मिलेगी, ठीक है? नॉट ओनली दैट, हमने इसी टाइम पीरियड में इमरजेंस ऑफ जनपद देखा. वट वॉज अ जनपद? इसके बाद जो हुआ उसे हम जानते हैं 16 महाजनपद. हिंदुस्तान में 16 महाजनपद थे, ठीक है? यानी 16 बड़े सम्राट, बड़े राज्य, जिनमें से एक था मगधा. हुआ क्या, हमने देखा हड़प्पा में, हड़प्पा में स्टेज बाय स्टेज कैसे फोर्टिफिकेशन की तरफ चलते रहे और एक देश बन गया. हमें ये पता लगा हड़प्पन के एंड के बाद आर्यंस इंडिया आते हैं, ठीक है? लेकिन हमें इनकी पूरी थ्योरी नहीं पता कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, ठीक है? मगर धीरे धीरे ये कैटल रेयरिंग से नोमैडिक, मतलब नोमैड, पहले नोमैड थे फिर कैटल रेयरिंग पे आ रहे. पहले क्या थे ये? नोमैड्स थे यानी कि बंजारे थे, उससे ये कैटल रेयरिंग पे आए. कैटल रेयरिंग से एग्रीकल्चर प्रधान होगा इनका, और एग्रीकल्चर से फिर फाइनल ये अपना सेटलमेंट करने शुरू कर देंगे, छोटे छोटे कबीले बनाने शुरू कर देंगे, जो कि कबीले इकट्ठे होने के बाद बनेगा एक जनपद, एक साम्राज्य, मतलब एक छोटा सा रियासत बन जाएगी, ठीक है? सो हम देखते हैं इसी पीरियड में जो था जनपदों की इमर्जेंस होनी शुरू हो गई थी. छोटे 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 जो हमने इससे पहले पढ़े थे, अगर आपको याद होगा 10 राजन वॉर मैंने बोली थी, वो जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी वो इकट्ठी होने लग पड़ेंगी. बेसिकली होगा क्या, इस समय टोटल 22 जनपद, 22 छोटे छोटे साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में हमें जो है विंध्या से ऊपर तक का एरिया, उसमें सारे में हमको 22 छोटे छोटे राज्य मिलेंगे, ठीक है? और यही मेन किंगडम्स हैं जो हम, जिसकी बात मतलब मेन किंगडम्स क्या, हम इनकी बात भी नहीं करने वाले, कॉमन है इनमें सब कुछ, ठीक है? सो आर्यंस वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स एंड वर नोन एज द जनार्स. दिस गेव राइज टू द टर्म जनपद, जिसमें जन का मतलब होता है पीपल और पद का मतलब होता है पैदल, पैदल जो इंसान. स्टैंडिंग आर्मी ना के बराबर है सब कुछ, ठीक है? तो उस हिसाब से इसको हमने नाम दिया जनपद, जन से लोगों से नाम आया जन और पैरों से जनपद. देन 16वीं सेंचुरी BC से अप्रोक्सीमेटली 22 जनपदों की हम बात करते हैं. हमने बोला टोटल 22 जनपद थे. 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट वी हैड टोटल 22 जनपद. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थे पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार, ये जनपद ज्यादा पावरफुल थे और बाद में महाजनपद बने. क्यों? क्योंकि इधर आयरन मिल रही थी, यानी कि आयरन से क्या बन सकता है? हाँ जी, एनीवन एनीवन, आयरन से हम क्या बना सकते थे उस समय? वेपन्स वेपन्स, तलवारें, वेपन्स. तलवार बनेगी. अभी ये सोचो, ये तो उस जमाने के अमेरिका ही हो गए ना, और ये एरिया, ये जो महाजनपद बनेगा इसका क्या नाम था? मगध. मगधा इसीलिए इतना पावरफुल था, सारा आयरन ओर इन्हीं के पास था, बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर मटेरियल इनके पास है, इसको एक्सट्रैक्शन जानते हैं.
तो नेचुरल सी बात है, ये जो यूपी बिहार में जो मगध साम्राज्य बनेगा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होल्ड पे आ जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। खैर ये महाजनपदों की बात है, अभी हम जनपदों की बात करें नॉर्मल, तो थोड़ा थोड़ा इनमें पावर आनी शुरू हो गई थी। इन द 6th century BCE देर वॉज अ राइज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद और द ग्रेटर कंट्री, बड़े शहर आने शुरू, 16 बनेंगे टोटल, जैसे मैंने आपको बोला 16 महाजनपद बनेंगे जो कि एक टाइम पीरियड में सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलेंगे। दो टाइप के होंगे ये बेसिकली, इसमें मोनार्की भी मिलेगी रिपब्लिक भी मिलेगा। मोनार्की जहाँ पे ब्रिटिश राजा रहेगा और रिपब्लिकन जहाँ पे लोग चूज करेंगे, जैसे कलिंग कलिंग रिपब्लिक था, वैराज अशोक का जो मगध एम्पायर था वो मोनार्कियल था, ठीक है। सो महाजनपद अगला टॉपिक तो नहीं होगा, अगला इससे अगला जो हम करेंगे वो होगा हमारा बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, फिर महाजनपद पे आएंगे क्योंकि कंटेम्प्रेरी बुद्धिज्म जैनिज्म चलने वाला है बहुत कुछ, है ना। देन आगे बढ़ूं तो बात करते हैं, जैसे कि अब मैंने बोला जनपद जनपद थे क्या, जैसे कुरु कुरु जनपद आया। अब कुरु हमने महाभारत आजकल देख रहे होंगे आप लोग, जो नहीं देख रहे वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो कुरु कुरु बेसिकली बना पुरुष और भारत क्लान, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि भारत नाम पड़ा था भारत क्लान पे, पुरुष यादुस ये सारे नाम मैंने आपको बताया, विशायनिन वगैरह 10 अलग अलग ट्राइब्स जो आपस में लड़ी थी, तो दो ट्राइब्स पुरुष और भारत इकट्ठे हो गए, इन्होंने बनाया कुरु साम्राज्य। ऐसे ही पंचाल बना था तुर्वसस और क्रिविस से और काशी एक्सेट्रा, बहुत सारे मतलब टोटल ये बनेंगे आपके 22 जनपद बने, इतना डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसके ऊपर एस्पेक्ट पे देखेंगे, रेफरेंस टू द टेरिटोरियल रीजन सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए टेरिटोरियल रीजन की बात करूं तो टोटल 3 रीजन है, सबसे पहले आर्यव्रत क्या था नॉर्दर्न इंडिया, इसके बाद एक्सपेंशन हुई दे मूव फर्दर इन टू द मध्य देशा सेंट्रल इंडिया एंड फाइनली द दक्षिण पथ यानी कि सदर्न इंडिया के लिए जो ये गए उसको हम बोलते हैं सदर्न, दक्षिण पथ बोलते हैं सदर्न पार्ट को। नाउ विंध्या वैदिक लिटरेचर हमको बताता है कि विंध्या रेंज जहां पर है यानी कि मिडल ऑफ इंडिया में है, इस वक्त अगर आप देखें एमपी के साइड में आपको एक विंध्या माउंटेन्स मिलेंगे, तो वहां तक थी हमारी टेरिटोरी, वहां तक था पूरा उस समय आर्यंस का साम्राज्य, ठीक है। धीरे धीरे जब से साउथ में जाएंगे और बढ़ जाएगा, और यही ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन हुई थी, ये जो मूवमेंट हुई है पहली बार नीचे को जा रहा है इंसान। हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा हड़प्पा में सदर्न मोस्ट पॉइंट था दाइमाबाद, याद है दाइमाबाद कहाँ पे है, एनीवन हु रिमेम्बर्स, महाराष्ट्र में, ठीक है दाइमाबाद था। तो ये सदर्न उसकी तरफ बढ़ने लग पड़े थे और इसी वजह से बहुत चेंजेस आएंगे, अभी धीरे धीरे हम देखेंगे पॉलिटी में हर जगह में चेंज आए। अब आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटी, बेसिकली बहुत चीजें चेंज हुई, राजे आने लग पड़े, स्टेट्स में शहर आने शुरू हो गए, जो पहले छोटे छोटे कस्बे थे वो शहरों में बदलने शुरू हो गए थे, ठीक है। राजे का स्ट्रेचर आना शुरू हो गया था, एक अब बोल रहे थे राजन भी होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था। फिर हमें तैत्र ब्रह्मणा कहती है कि इसमें हमें तैत्र ब्रह्मणा में हमें मिलता है डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंगशिप, यानी कि ये माना जाना लग पड़ा था कि जो आपका राजा है, ठीक है राजा तो देवताओं की देन है, देवताओं का बेटा है, देवताओं का पुत्र है, ऐसी ही बातें बननी शुरू हो चुकी थी कि राजा होना मतलब बड़ा सौभाग्य की बात है, जिसपे भगवान खुश है वही राजा बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही है, अगर वो भगवान का बेटा तो ज्यादा पावरफुल हुआ, तो राजे के पास सबसे ज्यादा पावर थी, जो कि पहले हमने देखा था कि विधाता नाम का एक बंदा था जो कि राजे की पावर्स के ऊपर चेक करता था, और मैंने आपको उस समय बताया था कि विधाता चला जाएगा, अब विधाता गायब हो चुका है, किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है और न्यू सिविल फंक्शनैलिटीज के साथ राजा सामने आता है। पॉपुलर अफेयर्स ऑफ द किंगडम्स वर एक्सरसाइज बाय सभा एंड समिति एज इन द ऋग्वेदिक पीरियड, बट जो चीज गायब है वो क्या थी, वो थी आपकी विधाता गायब हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अभी भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, स्टैंडिंग आर्मी क्या होता है, एनीवन नोज व्हाट इज स्टैंडिंग आर्मी, ये मत बोलना कि फौज जो खड़ी रहती है अपने पैरों पे, बाकी उसके अलावा कुछ भी बता सकते हो, व्हाट इज क्या हो गया रेडी टू फाइट। हाँ यार एक आर्मी का होना, जब जंग होगी तब बुला लेंगे हर किसी को, आयल से राठी जल्दी आपने 3-4 बंदे लेकर आ, मुस्कान 3-4 बंदे लेकर आ, ईशा 3-4 बंदे लेकर आ, ठीक है बाद में बोलूंगा सबने पिटने जाना है आज। पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री नहीं यार फौज होती नहीं है, यारी दोस्ती में हो जाता सारा काम, जैसे अपने नहीं होता यारी दोस्ती में हो जाता सारा काम, यारी दोस्ती वाला काम है सारा,
जुडिशरी बढ़ती है और राजे के हाथ में ही सारा जुडिशियल कंट्रोल है, राजा जो चाहे वो कर सकता है, जुडिशरी क्रिमिनल लॉ सारा कुछ किसके पास है, राजे के पास है, विधाता कंप्लीटली गायब हो चुका है, यानी कि राजे की अब पावर पे कोई भी चेक नहीं कर सकता, राजे की मर्जी वो जो मर्जी करे। देन किलिंग ऑफ एम्ब्रियो, ये चीज अच्छी है ध्यान से सुने, यानी कि भ्रूण हत्या, होमिसाइड यानी कि मर्डर, मर्डर ऑफ ब्राह्मण इन पर्टिकुलर, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रिंकिंग श्योर नहीं था, सुरा था, SURA, सुरा यानी शराब, ये सब सीरियस क्राइम थे, ठीक है। और ट्रीजन का मतलब था कैपिटल पनिशमेंट। व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट, एनीवन नोज व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? उसकी कोई प्रॉपर्टी या कुछ लेना जो भी उसके पास, या उसको मार देते थे। हाँ, सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट होती है सजाए मौत, ठीक है। सो देन अभी हम बात इनकी पॉलिटी की कर रहे हैं, तो बिना राजे के मिनिस्टर्स और उसकी फंक्शनैलिटी के तो बात बनेगी नहीं। अब ये जरा ये यार ये गाइस नाम थोड़े रट्टे मारने वाले हैं, प्लीज कोऑपरेट, लेकिन काफी कुछ तुम्हें पता होगा पहले से। जैसे कि पुरोहित, पुरोहित की फंक्शनैलिटी था वो था प्रीस्ट, आज भी पुरोहित ही होता है, पंडित जो होता है मेन उसको पुरोहित बोलते हैं। फिर थी महिषी, महिषी ही बोलते थे रानी को। देन युवराज, क्राउन प्रिंस, संग्रहार्थी, ट्रेजरर, संग्रह करने वाला, संग्रह क्या होता है, इकट्ठा करना ना, इकट्ठा करके रखने वाला, माल बटोर के कौन रखता है, ट्रेजरर रखता है, ठीक है। देन सेनानी, जनरल को बोलते थे इनके, ग्रामीणी, हेड ऑफ विलेज था, खष्ट, गेट्समैन या चैम्बरलिन। ये आपको पता है खष्टा का मतलब क्या बना, किसी को आइडिया है गेट्समैन का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, एनी वन हैविंग एनी आइडिया, खष्टा का मतलब क्या हुआ गेटमैन का? जो बाहर मेन के मेन गेट पे होते थे, ध्यान रखते थे जो। हाँ, जो ये बोल रहा महाराजा धीराज पधार रहे हैं, वो वाला अंकल, ठीक है। एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क दो, क्योंकि भाई वही है जो सबको गेट पे देख रहा है, वो राजे के गेट के सब सारे पालन कर रहा है, ठीक है। अभी राजा अपनी अंदर मीटिंग कर रहा है किसी के साथ और राठी आ गया, राठी बोले भाई साहब मेरे को खेलने जाना है, राजा प्लान बना रहा है कि राठी को अभी उड़ा के मारेंगे, फंस गया राजा। तो मतलब इसका काम था राजे की प्रोटेक्शन, बेसिकली राजे का पूरा ध्यान रखता था ये, ठीक है। देन था बागदूधा, बागदूधा वाज कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, ये वो बंदा था जिसके पास, ये उस समय का IRS अफसर है, क्या है उस समय का IRS, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। देन अक्षवापा, कुरियर सर्विस वाला था। पाला गोला, राजे का दोस्त कौन बनेगा, ये भी एक मिनिस्टर होता था जो बचपन से राजे के साथ रहेगा, जो राजे को समझेगा, राजे का बहुत अच्छा दोस्त होगा, राजा उससे अपनी बात करेगा, ठीक है, उसको बोलते पाला गोला। देन गोवी करता, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अधिकृता, विलेज ऑफिशियल्स को बोलते थे। उग्रस, पुलिस ऑफिसर्स थे। और फाइनली सूत या सारथी, द चैरिटियर और द रॉयल हेराल्ड। नाउ सूत का होना कितना इंपॉर्टेंट है यार, कोई बता सकता है वाई द सूत या सारथी? सारथी कौन होता है यार, सारथी की तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, बट सारथी इज प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द किंग एट दैट टाइम। व्हाई? रथ चलाता। हाँ, रथ चलाने वाला क्यों आएगा? ये सब तो समझ में आते हैं, पुरोहित, महिषी, युवराज, संग्री, सेनानी, ग्रामीण, क्यों आएगा बताओ? सर बैटल के टाइम पे सर वही चलाएगा, नॉट ओनली दैट। अच्छा, यू नो मिस्टर अंबानी, हाउ मेनी ऑफ यू नो मिस्टर अंबानी? मतलब तुम जानते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं जानते, कितने लोग हो ऐसे? सभी होंगे। अब जो उनका ड्राइवर है, उनके ड्राइवर की जो इनकम है वो नॉर्मली किसी ऑफिसर से भी बहुत हाई पे है, ठीक है। व्हाई अ ड्राइवर और अ सारथी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किंग और एनी वन हु पोजेसेस अ वार, बिकॉज इस बंदे को उसके सारे सारे राज पता है, इसकी प्लानिंग पता है, इसके अफेयर्स पता है, अफेयर्स इन द सेंस क्या करने वाला है कहाँ पे, अब ठीक है दूसरे वाले भी पता है। सो दिस इज अ गाय हु नोज एवरीथिंग अबाउट द किंग। और ये चाहे तो जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे, रॉबर्ट तू ड्राइवर बन के जाइयो और उसको उठा लेंगे वहां से, ये किंग को किडनैप भी तो करवा सकता है, तो इसका खास होना बहुत जरूरी है। हेंस फोर्थ इसके हाथ में राजे की जान है, और यस लड़ाई में भी इसने जाना है, राठी इज राइट, लड़ाई में गया और सारथी के साथ राजे की बनती ने, सारथी बोला अच्छा मेरे को आंख दिखा रहा था बताता हूँ, दुश्मनों के खेमे जाओगे, ब्रेक मारे, बोले अरेस्ट कर लो, यहाँ पे कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है भाई, डाल लो इसको अंदर, ये भी तो हो सकता था। सो इसलिए दिस गाय वॉज वेरी इंपॉर्टेंट,
देन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आते हैं इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था क्या लेटर वैदिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बाद सोसाइटी, सोसाइटी में इनका था क्या। नाउ बेसिकली होता क्या है इनके सोसाइटी में बहुत कुछ है। सबसे पहले वर्ण सिस्टम हमारे सामने है। वर्ण सिस्टम में क्या था, चार वर्ण थे। सबसे पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण पहली बार लेटर वैदिक सोसाइटी में ही वर्ड यूज किया गया। इससे पहले ऋग वैदिक सोसाइटी में ब्राह्मण नाम का कोई शब्द यूज नहीं किया गया। ऐसा क्यों? बेसिकली हुआ क्या था, जैसे जैसे टाइम बीता यज्ञ जो था अभी बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कर दिया। नॉर्मली हमने अर्ली वैदिक पीरियड में अगर मैं यज्ञ की बात करूं सिंपल सा यज्ञ था, सेक्रीफाइसेस थे, ठीक है, आग जलाई, हवन कुंड में आग जगाई, हवन कुंड में क्या थोड़ी सी आग जलाई, उसमें स्वाहा स्वाहा किया, काम हो गया, ठीक है ठीक है। और ये कहा जाता था जैसे अग्नि है, अग्नि की वाइफ का नाम था स्वाहा। ये कौन थी, वाइफ ऑफ अग्नि। तो इसीलिए जब भी आप कभी वो देते तो आप बोलते हो बार बार स्वाहा स्वाहा का मतलब होता है अग्नि की वाइफ का आप नाम ले रहे हो, ठीक है। नाउ कमिंग अक्रॉस, नाउ हुआ क्या, यज्ञ ज्यादा इलेबोरेट हो गए, बहुत ही ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगी, ये करेंगे वो करेंगे। सो अब स्पेसिफिक टाइप के लोग ही इसको कर सकते थे, हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए इन्होंने अपना नाम दिया ब्राह्मण। और इन्होंने ना इसको स्टार्टिंग में नॉर्मल रखा, अभी अभी भी ये भी अभी ये नहीं हुआ कि बिल्कुल ही कट्टर सिस्टम हो जाएगा। तो एक नई क्लास चाहिए थी जो स्पेसिफिकली यज्ञ और आहुतियों पे काम कर सके, उसका नाम इन्होंने दिया ब्राह्मण। समझ गए? ब्राह्मण के बाद दूसरे आए एक और टाइप के बंदे जिनको हम बोलते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय ये वो आर्यन थे जो जब दक्षिण पथ की तरफ आरे बढ़े तो इन लोगों ने इसको संभाला, कई सारी टेरिटरीज को जीता, जनपद बनाने शुरू किए और एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दी। इन लोगों ने अपने आप को नाम दिया क्षत्रिय। तीसरी टाइप जो आई वो थे वैश्य। वैश्य अदर देन ब्राह्मण और क्षत्रिय जितने भी आ रहे थे इन्होंने अपने आप को वैश्य नाम दिया। वैश्य वर्ड आया विश से, विस का मतलब था पीपल, विस्पति बोलते थे ना हम लोग पीपल्स हेड को, याद है विस्पति हमने पहले किया था विस्पति। शाबाश, हाँ जी सो रहे हैं सब लोग, तो सवाल भी पूछ लूं आप लोगों से। ईशा कुछ याद है, मोक्षी, मुस्कान, हाँ जी हाँ जी, किसी को याद है, कुछ याद है या भूल गए, सब भूले पड़े हो यार तुम। चलो फाइनल आते शूद्र। अब शूद्र कौन थे, जो रिमेनिंग नॉन आर्यंस थे। अभी जब सवाल ये उठता है रिमेनिंग नॉन आर्यंस, यहाँ पे बहुत एक तगड़ा लिंक दिया है, रिमेनिंग नॉन आर्यंस ये कहाँ से आए, वर दीज हड़प्पन पीपल, टेक्स्ट सेज यस इट माइट बी द हड़प्पन पीपल, दैट मीन्स दे डिड नॉट डाई, दे सर्वाइव्ड, ठीक है। अब एक और चीज, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, एक और चीज ये भी थी, ये वर्ण सिस्टम जब लागू किया गया तो इसमें इट वॉज ऑन द बेस ऑफ द प्रोफेशन दैट यूल चूज। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ फिजिशियन, यू वॉन्ट टू टीच, यू बिकम अ ब्राह्मण, यू वॉन्ट टू फाइट, यू वॉन्ट टू हैव एडमिनिस्ट्रेशन, यू विल बिकम अ क्षत्रिय। आप चाहते हैं व्यापार करूं, पैसे कमाऊं, तो यू विल बिकम अ वैश्य। एंड यू वॉन्ट समथिंग विच हैज नथिंग टू टेक विद इकोनॉमी, बेसिकली जस्ट फॉर फन से कलाकृति बना लिया, कुछ करा लिया, मनोरंजन की बात कर ली, तो यू बिकम अ शूद्र। बट एवरी पार्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी, एवरी पार्ट वॉज नीडेड, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जब ये सिस्टम आया ये इतना रूड नहीं था, नेवरदलेस डिसीजन वॉज नॉट रिजेक्ट, आप जो मर्जी अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते थे। मगर इसी दौरान गोत्र सिस्टम यानी कि क्लैन सिस्टम का इमर्जेंस हुआ। गोत्र पता है सबको क्या होता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ गोत्र? आई नो आई वाला, अच्छा ईशा को पता है, राठी पता है? यस सर मराठी हूं, गोत्र ओके ओके। मोक्षी, मुस्कान, सो कास्ट सिस्टम, नॉट कास्ट सिस्टम, गोत्र इज समथिंग लाइक दैट, यस। आपके क्लैन के बारे में, आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपको कहां पे किस वंश को बिलोंग करते हैं, वो होता है वैसे वंश जिसको बोल सकते हो आप लोग, जाट सर, ठीक है ना। सो रंजीत इज
नोकिया रंजीत है या रोहित है? हाँ जी, नोकिया वाला कौन है? चले आगे बढ़े, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देन आगे की बात अगर मैं करता हूं फर्दर ऑन, लेटर वैदिक सोसाइटी की ही बात कर रहे हैं अभी हम। सो अब क्या था, आश्रम सिस्टम पहली बार दिखाई देता है। जबाला उपनिषद बताता है आश्रम सिस्टम को इंस्टिगेट किया गया इंडियन सोसाइटी में। आश्रम कौन कौन से थे? हाँ भाई राठी, आश्रम, आश्रम में कौन कौन से आश्रम थे? सिरसा वाला मत बोलियो, कोई और भी मत बोलियो। पहला था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सबको पता है क्या क्या है? आश्रम में थे, आश्रम थे भाई, ये चार आश्रम थे। ओके, सी टिल 25 ऑफ ईयर, 25 ऑफ ईयर एज अ पर्सन हैज टू बी ब्रह्मचारी, यानी कि वो सिर्फ स्टूडेंट रहेगा और वो पढ़ाई की बात करेगा। उसके बाद 25 से 50 साल तक की उम्र तक वो गृहस्थ में रहेगा, जहां पे उसकी शादी हो जाएगी, मेल या फीमेल, ठीक है। वो अपने पारिवारिक उसको उसको पूरा करेगा, सुखों को भोगेगा और अपने अपने आगे लेकर आएगा, ठीक है। देन फ्रॉम 50 to 75 वो भगवान की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। वानप्रस्थ हो जाएगा, उसको कुछ देना लेना देना नहीं होगा चीजों से, मोह माया त्यागनी शुरू कर देगा। एंड फाइनली 75 से 100 तक ये संन्यास ले लेगा, ये टोटल कट ऑफ हो जाएगा। अरे भगवान की भक्ति में इसका मेन ऑल्टरनेट जो मेन चीज ये चाहता है वो क्या होगी, वो बेसिकली अगला ही पॉइंट है, यानी कि एम ऑफ द आश्रम वॉज टू अटेन 4 पुरुष शास्त्र। वो कौन कौन से थे? इतनी एज होती थी सर पहले? हाँ होती थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना क्या है ये सब कुछ, किसी को याद है धर्म का मतलब? संरक्षण करना, हर चीज को अच्छे से पालना, ठीक है। अर्थ का मतलब ड्यूटी सर, क्या था धर्म का मतलब? ड्यूटी, ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छी तरह से पूरा करना। अर्थ का मतलब था इकोनॉमिक्स, काम का मतलब था आपकी जो आपका जो चल रहा है ऑफस्प्रिंग्स, और मोक्ष का मतलब था, मोक्ष का क्या मतलब था? लिबरेशन, लिबरेशन, हाँ मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन। क्या बात है, क्या वर्ड यूज किया तूने, लिबरेशन, शाबाश, ठीक है। देन हायर क्लास को लोअर क्लास से शादी की इजाजत थी, बट ओनली शूद्रों के साथ शादी नहीं कर सकते, शूद्र अपने क्लान में शादी करेंगे, बाकी आपस में कर सकते थे, ठीक है। देन फाइनल विमेन का स्टेटस भी डिक्लाइन किया इसी दौरान, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आयत्रेय ब्रह्मणा कहता है, आयत्रेय ब्रह्मणा में लिखा हुआ है कि ना कई जगहों पे इसमें संज्ञान आता है, कहते हैं कि लड़की पैदा होना ना मतलब शर्मिंदगी की बात है, सोर्स ऑफ मिस्ट्री है, मिजरी है, सॉरी, ठीक है। नॉट ओनली दैट, विमेन की ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रेप्यूटेशन गिरती है, उसके 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 पावर में कमी आती है। अब उसको पॉलिटिकल असेंबलीज में जाना अलाउड नहीं है, उसको पढ़ना लिखना अलाउड नहीं है, और ऑल दो मोनोगैमी थी, सबको पता है मोनोगैमी क्या होता है, ऑल दो मोनोगैमी चल रही थी, बट कई जगह पे पोलोगैमी भी दिख जाती है, कई जगह पे हमें पॉलीगैमी मिल जाती है। एवरीवन नोस व्हाट इट इज? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज दिस? मोनोगैमी मींस वन मैन वन वाइफ, दिस मींस वन मैन एंड मल्टीपल वाइफ, बेसिकली दिस इज आम इंसान, दिस इज मिस्टर माल्या, समझ गए, ठीक है। सो बेसिकली इट वॉज मोनोगैमस बट पॉलीगैमी वॉज सीन। देन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, यज्ञवल्क्या, ये वर्ड याद रखेंगे। गार्गी डायलॉग बृहद उपनिषद में बोलता है कि कई औरतों को उच्च स्तर की एजुकेशन भी दी जाती थी। सो ये कहना कि एजुकेशन लड़कियों को बिल्कुल ही राइट से डिप्राइव कर दिया था, बहुत गलत होगा, ठीक है। गार्गी डायलॉग में, बृहद उपनिषद का गार्गी डायलॉग याद रखना, इसमें कहा गया है कि कुछ औरतों को, और आपको इसका संज्ञान भी मिलता है। देखो जो राजकुमारियां थी उनको अलाउड था, उनको शस्त्र विद्या लेना भी अलाउड था, ठीक है। देन
इसी के बाद बात आती है सोसाइटी की, बात करूँ सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है शादियां। अब बहुत टाइप की शादियां थी, टोटल 10 टाइप की शादियां हो रही थी उस समय इंडिया में, ठीक है, जो आज भी होती हैं। जैसे कि स्वयंवर, टोटल 10 सुन ले कैसे है, टोटल वैसे 8 है, 2 और आएंगी, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आएगा ब्रह्म विवाह। ये होता था लड़की का दान डोरी के साथ जब कोई करता था उसको बोलते ब्रह्म विवाह किया भाई, ठीक है, जजमान ने ब्रह्म विवाह किया। उसके बाद था दैव्य विवाह। दैव्य विवाह में क्या था, आपने पंडित जी को फीस देनी थी, वो आप दे नहीं पाए, आपने बोला भैया हम फीस तो नहीं दे सकते, हम ये यज्ञ आपका करवा रहे नहीं कर सकते, इसके बदले में हम अपनी आत्मा को बेटी दे देते, ठीक है, आप उसे शादी कर लो। ये था दैव्य विवाह, ठीक है। फिर था अर्श विवाह। अर्श विवाह क्या था, लड़की बेच दी, या उसके लिए पैसे, ब्राइड के लिए पैसा दे के उसे प्राइज लेकर के शादी कर ली। फिर था प्रजापत्य विवाह। ये था, ठीक है यार पैसे नहीं दिए लेकिन लड़की ले आए, इसके आज के टाइम में इन दोनों को आप क्या बोल सकते हैं बताता हूँ। एनीवन नोज व्हाट इज चुन्नी चढ़ाना, पता है चुन्नी चढ़ाते हैं कई जगहों पे, है ना, वो हो गया, ये हो गया, दोनों एक कोर्ट मैरिज की तरह होती है, काइंड ऑफ, यस काइंड ऑफ, सर्वसम्मति से हो जाता है, सर्वसम्मति से सब लोग बैठते हैं, हाँ शादी होगी, चलो थोड़ा थोड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें एक में पैसे लिए जाते हैं, एक में पैसे नहीं लिए जाते। देन गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज उस समय भी चल रही थी, ऐसे ही लोगों ने आज के बच्चों को बेचारों को बदनाम किया हुआ है। फिर था असुर विवाह, ये लड़की खरीदने के बाद शादी करना, ठीक है। फिर राक्षस विवाह था। राक्षस विवाह था कि यदि आप किसी राजा को हरा देते हो, हारे हुए राजा की बेटी से, या किसी लड़की को अगवा करके ले आए और उसे जबरदस्ती शादी कर लिया उसकी सहमति से, लेकिन अगवा करके लाए उससे शादी कर ली, वाज नोन एज राक्षस विवाह। देन देयर वाज अ पिशाच विवाह, वो था यू सेड्यूस द गर्ल और रेप्ड हर, आफ्टर दैट यू मैरिड हर, ठीक है। ये थे टोटल 8 टाइप की शादियां जो हिंदुस्तान में उस समय में हो रही थी। इसके अलावा 2 और पर्टिकुलर टाइप थी, जो थी अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। कुछ नहीं है, अनुलोम में क्या होता था, जो दूल्हा होता था वो ऊंच जात का होगा, मतलब ऊंची जात का होगा, यानी तीन में ही अलाउड था, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आपस में शादी कर सकते थे। आप ये मानो अनुलोम में जो आपका लड़का होगा, दूल्हा होगा, वो ऊपर की उसका होगा, और प्रतिलोम में लड़की अपर कास्ट की होगी। अब आप ये देख लो, इसमें कोई चक्कर नहीं है, आप आपस में कर सकते थे, बट शूद्रों में नहीं हो रही थी शादी, ठीक है, ये पॉइंट बड़ा स्पेसिफिक था। फिर लेटर वैदिक रिलीजन में क्या क्या हुआ, ज्यादा चेंजेस नहीं आए, इट वॉज लगभग वही सब कुछ चलेगा, लेकिन 2-3 देवी देवताओं को ऊपर नीचे होने वाला है, जैसे कि इंद्र और अग्नि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे, पुरंदम और अग्नि जो मीडिएटर था भगवान और इंसान के बीच में, वो बैकग्राउंड में आ जाते हैं, उनकी जगह इमरजेंस होती है त्रिनिटी की। त्रिनिटी कौन सी है भाई इंडिया की, हाँ जी शिव जी, नहीं विष्णु, विष्णु शिव और ब्रह्मा, दिस इज द ट्रिनिटी, है ना, माने का कहीं अभी ये ना बोलना सर लेजिस्लेटिव जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मत बोल देना, बाकी सब ठीक है। चले तो ट्रिनिटी की इमरजेंस हुई, जैसे कि प्रजापति, जो कि मैंने पहले आपको नाम बताया दाउस, प्रजापति जो कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स थे, लेटर ऑन इनको ब्रह्मा बोला गया। देन विष्णु जो पैटर्न गॉड थे ऑरेंज के, जो विष्णु सन सिस्टम के पार्ट थे, और रुद्र जो कि जानवरों के देवता थे, और इनको लेटर ऑन महेश या शिव भी बोला गया, माना जाता रुद्र पशुपति सील से हमने लिए थे, ठीक है। इसके अलावा प्रजापति सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे, और पुषाण जो एक टाइम में सूर्य का एक पार्ट थे जो हर्ड्समैन और कैटल्स के लिए यूज किए जाते थे, वो अब टोटली शूद्रों को दे दिए गए थे। नाउ ही वॉज द गॉड ऑफ द शूद्रास। बृहद उपनिषद कहता है, ये बात करता है पहली बार ट्रांसमिटिगेशन की। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, हाँ जी ट्रांसमाइग्रेशन जन्म और मृत्यु का जो सर्कल है, मतलब अभी तुम जन्मे हो, फिर तुम मरोगे, फिर तुम फिर जन्मोगे, फिर तुम फिर मरोगे, फिर तुम फिर जन्मोगे, फिर तुम फिर, जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो इसका पहला संज्ञान मिलता है बृहद अर्णक्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है, ये भी लेटर वैदिक कैरियर की बात है। देन सेक्रीफाइसेस जो थे, अभी मैंने पहले बोला ब्राह्मण आ गए थे, क्योंकि अभी ब्राह्मण क्यों आए थे, क्योंकि सेक्रीफाइसेस को मोर इलैबोरेट कर दिया गया था, बहुत सोफिस्टिकेटेड कर दिया था अब हमने, ठीक है। ये 2 टाइप के थे, लघु और महायज्ञ। इनमें फर्क क्या था, लघु यज्ञ में
घर में आमतौर पे आप कर सकते थे अग्निस्त्रोत्र, दर्श यज्ञ, पुनर्मासा यज्ञ, पंच महायज्ञ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पूर्णमासी का किसी घर में कभी कथा हुई हो या कोई कथा हुई हो देवी देवताओं की, नारायण नर नारायण की होती है कथा, हुई है कभी किसी में? गए हो, कोई गया तुम में से, किसी ने देखा है? कथा होती है तो उसमें यज्ञ होता है छोटा सा। हाँ जी, यज्ञ तो सर कभी नया घर बनाए तब भी आता है। हाँ, तो वही सब कुछ मिल मिला के हम क्या बोलते हैं उसको, लघु यज्ञ में आता है वो, ठीक है? इस टाइप के यज्ञ जो छोटे छोटे होते हैं, एक दिन के अंदर खत्म हो जाए। बट दूसरी तरफ आते हैं महायज्ञ। महायज्ञ कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये या तो एरिस्टोक्रेट्स करेंगे, ठीक है, या ये कोई बहुत अमीर बंदा करेगा, या राजा खुद करेगा, क्योंकि आम बंदा ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं तुम्हें फटाफट से समझा देता हूँ। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ होता है रॉयल कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होता है, एक साल के लिए चलता था। कितने साल के लिए? राजसूय यज्ञ चलता था पूरे एक साल के लिए। अब इमेजिन करो, पूरा एक साल अगर मैं बोलूं यज्ञ करना है, वन ईयर अलॉन्ग एक साल के लिए यज्ञ चल रहा है। बट लेटर ऑन, लेटर इसको सिर्फ अभिषेक, लेटर के लिए इसको अभिषेक से रिप्लेस कर दिया गया। ये पता है क्या है, जब एक युवराज को राजा बनना है तो एक साल के लिए पहले यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ। बट लेटर ऑन कहा कि सिर्फ एक तिलक लगाओ और राजा बनाओ, यार पैसा इतना वेस्ट नहीं करने का है, ठीक है। देन आता है वाजपेय यज्ञ, ये था ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। क्या था ये? दिस वॉज ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ इन द सेंस, ये टोटल 17 दिन से लेके 17 डेज से लेकर ये एक साल तक चलता था। अगेन इतना बड़ा यज्ञ कि इसको कोई आम बंदा नहीं कर सकता। फिर आया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ तो सबको पता होगा, उसके साथ होता था घोड़े के लिए, ये हॉर्स सेक्रीफाइस था, और ये 3 दिन के लिए चला, 3 डेज के लिए ही चलता था। 3 दिन के अंदर घोड़ा आपका अलग अलग जगह जाएगा, जिसने घोड़ा रोक लिया भैया जंग का ऐलान कर देंगे उसके खिलाफ, कि भाई तूने मेरा घोड़ा कैसे पकड़ा, हैं, हाउ डेयर यू कैच माय बेचारा छोटा सा घोड़ा। देन आता है अग्निस्थोम यज्ञ। देखो ये यज्ञ कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल यज्ञ है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये चलेगा तो सिर्फ वन डे यज्ञ है, वन डे ओल्ड यज्ञ है। लेकिन मुश्किल क्या है, इसको करने के लिए जो आदमी और औरत होंगे, इन्हें एक साल के लिए जंगल जाना पड़ेगा, वन ईयर जंगल जाना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और वो ही नहीं पूरे मतलब सन्यासियों की जिंदगी लगानी पड़ेगी। और सबसे मजेदार बात, इस यज्ञ में कोई भी आएगा तो उसे मिलेगा सोमरस, यानी कि बाबा जी की बूटी, बांग। बड़ा खुश हुआ तो सुन के ये बात, खिलाफ हो गए थे, कल्ट और रिचुअल्स इतने ज्यादा, कहो लोगों की जान निकल, लोग अगेंस्ट करना शुरू हो गए थे। सो एक टाइम आएगा जब हिंदुइज्म को सब लोग छोड़ देंगे, 90% लोग बुद्ध या जैनी बन जाएंगे इंडिया में। अभी फिर बात करते इकोनॉमी की, मैंने आपको पहले बताया एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा, रिप्लेस करेगा कैटल रेयरिंग को, मैन्योर यानी कि खाद इनको बनाना आता था। कई बार हमें पता लगता है कि 24-24 आपके क्या बोलते हैं बुल्डों के साथ ये पूरा हल चला रहे थे, वो भी हमें इसका संज्ञान मिलता है। राइस, बार्ले, बीन, सेसमी एंड वीट वॉज नोन टू देम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉलेज अबाउट मटेरियल ज्यादा थी, मेटल्स के बारे में ज्यादा पता था। मेटल्स में स्पेसिफिकली हमें टिन, सिल्वर, आयरन का पता था, इसके अलावा गोल्ड और अतियास। अतियास का हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉपर है या आयरन है या कुछ और है, ये है या कॉपर है, वैसे बेसिकली है तो कॉपर है या आयरन में, इन दोनों में से एक को ये अतियास बोलते थे, लेकिन हमें आज तक पता नहीं लगा अतियास है क्या मेटल है। इसके अलावा हमें ये भी मिलता है एविडेंस की ऑर्गेनाइजेशंस थी इनकी मर्चेंट्स की, अलग अलग जो गिल्ड्स में थी, क्योंकि हम इनकी इन्होंने बात की है कॉर्पोरेशंस की यानी कि गणों की, और एल्डरमैन यानी श्रेष्ठनों की बात की, श्रेष्ठिन लोग भी थे यानी उसके हेड वगैरह, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? ऑल गॉट इट, ठीक है। नाउ दिस विल बी ऑन यूट्यूब बाय टुडे नाइट, आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू गाइस टू बी डन इज, यार थोड़ा सा प्रीवियस को पढ़ लो, बिकॉज एनी मूवमेंट फ्रॉम नाउ आई विल स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट एंड आई वॉन्ट टू आस्क, हैज एनी वन ऑफ यू कम्प्लीटेड दोज क्वेश्चन आई गेव यू इन
पॉल साइंस वाले क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के? हाँ जी, कोई जवाब नहीं, मतलब नहीं हुए? कर लो यार, मेरे को दिखाओ, मैं आज शाम को चेक करता हूँ तुम्हारे जो भी लिखता हो लिख के दे दो, ठीक है? बाकी फिर हम कल मिलते हैं, कल को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल हम बुद्धिज्म जैनिज्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? एंड वील डू मैथमेटिक्स एज वेल। चलो गाइस, बाय बाय। मैथमेटिक्स कर देना सर। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए बाय बाय, ठीक है? ओके बाय। दिल मारो और पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो मैं फोन में से घुस करके पीटता हूँ यार। चलो चिल मारो यार, पढ़ लो, तुम्हारे लिए ही है, पढ़ के तुमने ही अपनी जिंदगी बनानी है, मैंने कुछ ना करना, ठीक है? चलें, ओके गाइस, बाय 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 सर।